हेलो दोस्तों वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का अपने आपके अपने चैनल इनायत स्टड फार्म पे तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है तो आज हम आए थे एक थोरात पाटिल स्टड फार्म पे जो पहली बार ही हम कवर कर रहे हैं एक स्टड फार्म तो जैसे कि इनके पास अपने पिछला जो आस्ट्रेलियन दिखाया था अर्जुन उसके बाद एक ये बच्ची है इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त एटीट्यूड वाली बच्ची है और इसकी क्या डिटेल्स है इन्हीं से जानेंगे अब हम तो सर सबसे पहले इसका नाम बताओ सर इसका नाम है अश्वगंधा अश्वगंधा ये बहुत नामी घोड़े की बच्ची है लेकिन उसका नाम मैं शेयर नहीं करता कभी कि भी किसी वीडियो में अच्छा तो अभी आप बताएंगे नहीं इसके नहीं बता सकते बाप का हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इसकी एज कितनी है अभी ढाई साल, साल की है ढाई साल की है और ढाई साल में बेहतरीन एटीट्यूड है इसका है ना बहुत बहुत अच्छा और अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट में कितनी है हाइट अभी उसकी साठ साठ तो अभी और बढ़ेगी या फिर इतनी रहेगी बढ़ेगी ना और हाइट बढ़ेगी और बढ़ेगी तो अभी जो ये घोड़िया होती है फिली, अभी, फिली, हाँ, में फिली है फिली अभी हाँ, हाँ। तो ये कितने कितने सालों तक हाइट करती है घोड़े वैसे पांच साल तक और लाइन के हिसाब से भी चलता है बहुत कोई कोई सात हाँ, सात साल तक बढ़ती है तो मैंने तो सुना था कि दो दांत के बाद हाइट करना बंद कर देती नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं पाँच साल कोई कोई ये कोई जल्दी हाइट उठाता है कोई थोड़ा रोक के लिए उठाता है अच्छा तो आपका एक्सपीरियंस है इसलिए आप बता रहे नहीं नहीं बढ़ते घोड़े हाँ हाँ तो इसका फादर मदर का तो मैं पूछूंगा ही नहीं आप मतलब मत, बता नहीं मत तो ये आपकी होम ब्रीड होम ब्रीड है नहीं, या नहीं होम ब्रीड नहीं मैंने पंजाब से खरीदी पंजाब से खरीदी थी इसको अच्छा तो अभी ये बताओ ये कब खरीदी थी, थी आपने मैंने इसको दो साल हो गए ऐसे चार 5 महीने की बच्ची थी तो बुलाया था मैं 4 महीने की बच्ची तब लेकर आए थे

लंचिंग भी नहीं मिलता खाना सब सिस्टम खराब हो जाता है ना बारिश से हाँ, हाँ। तो इसकी वजह से थोड़ी खराब हो गई और कलर भी चेंज हो गया हाँ। तो ये में खड़ी रहती थी उसकी वजह से थोड़ी ब्राउन दिख रही नहीं तो वैसे बहुत पूरी ब्लैक है पूरी ब्लैक है अच्छा तो सर ये बताओ की जो ये बच्चे होते है तो इनको लगाम कितने टाइम बाद डालनी चाहिए ढाई साल के बाद ढाई साल के बाद थोड़े वैसे धीरे धीरे आदत डाल के रखनी चाहिए लेकिन प्रॉपर तो ढाई साल के बाद ही तो ये जो दिक्कतें आती है बच्चों बच्चे पालने में नहीं क्या अपना मतलब किसान लोग है या फिर नए हॉर्स लोवर है हाँ, इनको ये दिक्कत आती है कि घोड़े काटने लग जाते हैं हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं नहीं हैंडलिंग की तो कुछ नहीं करते घोड़े क्या करते हैं है काम नहीं नहीं कुछ कुछ जो घोड़े वो कभी कभी काटने भी लग जाते हैं ना तो उनके लिए क्या अपना क्या करना अरे इतना तो अपने पास तो आज तक मैं तो है ना ऑस्ट्रेलियन भी हैंडल करता हूँ तो हल्टर पे करता हूँ हाँ हाँ तो यार इतना तो अपने को भी ये नहीं है आइडिया कि क्या करते होगे हाँ अच्छा अच्छा तो अभी ये बताओ कि कुछ 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 घोड़े जो है हाँ, जो बच्चे होते वो मिट्टी खाने लग जाते डिवॉर्मिंग तो हाँ, 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 अच्छा, तो कितने, कितने कितने तीन महीने के बाद डिवॉर्मिंग करनी चाहिए हर तीन महीने को जब शुरू करते हो आप डिवर्मिंग करनी हाँ तो एक बार महीने में ही करने हर बार अलग कंटेन में देने के हाँ। एक जैसे नहीं करने के हर बार अलग हर बार अलग अलग, 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 अलग। अच्छा। तो आप खुद घर पे करते हो डिवार्मिंग या फिर कोई डॉक्टर नहीं नहीं हम खुद खुद करते करते हैं करके घोड़ो के स्पेशल है वो भी आते है वो ब्रीडिंग में नॉलेज वो तो क्या बोलते वो भी ट्रांसफर करते थे घोड़ो का इतना तक नॉलेज अच्छा तो अभी ये बताओ कि आप बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह इनको देते हो गए यार हाइट तो क्या है वो तो जेनेटिक भी बहुत रहता है हाँ। ऐसे कुछ नहीं नहीं थोड़ा नहीं सब लोग तो, पर... तो सप्लीमेंट वगैरह भी देते हैं ना देते हो गए यार इतना तो आपने आपने को देना भी नहीं है अगर देते हो तो हाँ। क्या है घोड़े की लाइफ खराब हो जाती है अच्छे अच्छे घोड़े छूट गए सप्लीमेंट के चक्कर हाँ सप्लीमेंट के चक्कर में अच्छे अच्छे घोड़े छूट गए

इसकी क्या मार्किंग है अभी ये कल्याण में पंच कल्याण में हाँ। तो पंच कल्याण तो बच्चे मिलते नहीं है आपको कैसी मिल गई है मिलता यार, तो है यार नसीब में आएगा वो मिलते ना अच्छा। अपने पास वैसे दो तीन बच्चे हो गए एक तो मैंने उधर हल सिद्धनाथ करके हाँ। भगवान उनके व पालक में भी एक बहुत अच्छा पंचकल्याण राजहंस का बच्चा था मेरे पास वो भी उनको दे दिया था मैंने अच्छा तो सर ये बताओ कि अगर आप शो में लेकर जाते हो हाँ। रिंग में हाँ। तो कितना खर्चा आ जाता है एक घोड़े का वो तो ट्रैवलिंग कितनी दूर है उसके हिसाब से चलता है हाँ हा। तो घोड़े पे सो... दो महीने कम से कम पहले तैयारी भी करनी पड़ती है शो की हाँ, वही ना वो डाइट वाइट दे देना पड़ता है अलग डाइट चेंज करना पड़ता है घी देना पड़ता है तेल है सरसों का और भी कुछ खररा मालिश पे थोड़ा गहन देना पड़ता है अच्छा तो अभी आप मैं देख रहा हूँ अभी आपके जितने भी घोड़े सब में एक अलग शाइन दिखती है हाँ। तो क्या आप क्या, क्या क्या अलग यार अभी क्या तो, तो नेचुरल डाइट पे अपने थोड़ा हाँ। अपना इसका ने गोदरेज का बाकी तो कुछ नहीं है बाकी कुछ नहीं देते नहीं कुछ अच्छा तो बच्चों को घोड़ियों को सबको एक ही फीड देते एक ही देते हैं ना बच्चों के लिए देते हैं सिप्पी का फीड आता है थोड़ा बहुत देते ज्यादा नहीं सिप्पी सिंह करके फीड नाम भी सिप्पी का फीड करके ये तो हो गया अभी फीड का आपका जो अभी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाते तो उसके लिए क्या आप कहना चाहोगे मुंह में नहीं छाले आते वैसे हाँ हाँ तो अभी आपको आपके यहाँ पर आपको अभी तो नहीं यार अपने यहाँ तो नहीं आई कभी तो अगर दूसरों की कोई दिक्कत आती है किसान आ गए गीले में चाहिए या नहीं बांधना बांधना चाहिए अगर आने के बाद छाले अच्छा सालों में तो क्या होता है वो पानी से नरम हो जाते हैं सूम हाँ हाँ और एक आ, अपना आता है उसका दवा भी आती है वो भी ऊपर से फिल तो उससे सुम फास्ट बढ़ते है हाँ। तो द, वो बीमारी ना धीरे धीरे सुम के साथ नीचे चली जाती है सुम के साथ निकल निकल जाती है मतलब किसी किसी की निकलती है किसी की रुकती है हाँ हाँ अच्छा तो थैंक यू सो मच सर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक बार कर देना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग